महाकाली यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किस प्रकार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, यह खबर सीटी केबल समाचार में 4 अप्रैल को प्रकाशित की गई थी, जिसकी दखल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष तथा पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने लेते हुए तत्काल संबंधितों को आदेशित कर सुविधा उपलब्ध कराने के आदेश दिए। चंद्रपुर की आराध्य दैवत माता महाकाली की यात्रा 27 मार्च से शुरू हुई। इस यात्रा में हर वर्ष तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्य सहित नांदेड़, मराठवाड़ा से हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस वर्ष भी हजारों की तादाद में यहां श्रद्धालु पहुंचे हैं, लेकिन इन श्रद्धालुओं को सुविधा मुहैया कराने में प्रशासन विफल होने की खबर सिटी केबल समाचार में प्रकाशित होते ही पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तथा ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया, जिसके बाद बिकोली प्रशासन जाग गया और श्रद्धालुओं के लिए स्नान करने, शुद्ध पानी, कपड़े बदलने, पुरुष महिला अलग अलग कक्ष तथा विश्राम के लिए पंडाल बनाया। साथ ही दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पीने के पानी की सुविधा मुहैया कराई गई। बता दें कि हर वर्ष माता महाकाली की यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस दौरान मनपा प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तथा बिकुली प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराते थे, लेकिन इस वर्ष बिकुली प्रशासन द्वारा महाकाली कॉलरी, कोयला खदान समेत बहने वाली झरपट नदी तट पर किसी प्रकार की सुविधा नहीं की थी, जिसे यहां आने वाले श्रद्धालुओं को मजबूरन नदी के दूषित पानी से स्नान करना पड़ रहा था। साथ ही पीने के पानी तथा तपती धूप से बचने उन्हें झाड़ियों का सहारा लेना पड़ रहा था। छोटे बच्चों से लेकर वृद्ध नागरिक इस यात्रा में शामिल होने पहुंचे हैं। यात्रियों की इस सुविधा की खबर सिटी केबल समाचार में प्रकाशित होते ही बिकोली प्रशासन हरकत में आकर मयूरी महिला मंडल के माध्यम से तत्काल सुविधा मुहैया कराई, जिससे यात्रियों द्वारा राहत महसूस की जा रही है। साथ ही पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तथा ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर का आभार व्यक्त किया जा रहा है। श्रद्धालुओं को हो रही असुविधाओं के बारे में शहर के सुप्रसिद्ध बाल रोग तज्ञ अभिलाषा गावतुरे ने जिलाधिकारी को अवगत कराया। बिकोली द्वारा उपलब्ध करवाए सुविधाओं संदर्भ में एक अधिकारी ने बताया कि बिकोली चंद्रपुर क्षेत्र एवं मयूरी महिला मंडल के माध्यम से श्रद्धालुओं के लिए नहाने के लिए पानी, कपड़े बदलने के लिए महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था तथा पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था की गई है। साथ ही हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में भोजन दान का आयोजन करने की जानकारी दी।